ब्लैक एंड गोल्ड के नाम से, ये है मैरिया टाउन में और मैरिया मॉल के अंदर। उन्हें पेंटिंग से लहम मंदी और एंजॉय करते हैं लोग इसको। स्पेशल ब्लैक एंड गोल्ड स्टेक, एक फुल हैवी बाइट। ब्राउनी विद आइसक्रीम, आइसक्रीम के अंदर ड्रिप करते हैं। बारी है मॉल्टन लावा की, जो मेरा फेवरेट है। ओए होए, ओए मॉल्टन लावा और सिजलर ब्राउनी भी अपनी जगह, लेकिन जो मज़ा है गाजर का लवा, और वो भी और सर्दी है, आए हैं। दो मंदियां हमने घर के लिए भी पैक करवा ली। अस्सलाम वालेकुम फूडीज, मैं हूं नूरुल हसन और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। आज हम लोग आ गए जी अटक में, ये न्यूली रिसेंटली ओपन हुआ न्यूली रेस्टोरेंट ब्लैक एंड गोल्ड के नाम से, ये है मैरिया टाउन में और मैरिया मॉल के अंदर। तो इन्होंने जो अपना मुनफरिद नाम दिया है ब्लैक एंड गोल्ड, जैसे ये मुनफरिद नाम है वैसी इनकी जो एम्बियांस है वो भी, और जो इन्होंने अंदर थीम दी है ब्लैक एंड गोल्ड कलर की, बहुत ही आला। तो अब जाते हैं और आपको बताते हैं इनका खाने का टेस्ट कैसा, और अंदर विजिट करवाते हैं। चले चलते हैं, तो चलें चलते हैं। एंड गोल्ड के अंदर हम लोग आ चुके हैं, बहुत आला थीम एंड गोल्ड कलर की है, बहुत ही अलग थी, और जो इन्होंने अंदर एनवायरनमेंट दी है, ओए हो क्या बात। और ये फैमिली साइड है, और ये मजलिस टाइप बनाई हुई, यहाँ पर मंदी भी मिलती। ये फर्स्ट टाइम अटक में मंदी आई है, और ये ट्रेडिशनल स्टाइल में जो अरब बैठ के खाते हैं वैसे ये मंदी वाला इन्होंने सिटिंग एरिया दिया, यहाँ पर बैठ के बंदा खा सकता है ईजीली। और ये VIP सिटिंग एरिया है, और जो इन्होंने पेंटिंग से डेकोरेशन की हुई, माशाल्लाह बहुत ही आला लग रहा है सीन। ये देखिए घोड़ों की, और ये इनका और एक सिटिंग एरिया है, बहुत ही आला थीम इन्होंने इधर भी दी हुई, और बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट। ये दो भाई भी मेरे साथ आए, और अब इन ये भी लोग भी ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसा फूड। और ये है ब्लैक एंड गोल्ड का मेन्यू, ये एपेटाइजर्स हैं, ये सैंडविच और साथ में चाइनीज़ फूड और सैलड्स और साथ में स्टेक्स एंड पास्टास। अरेबिक कुजीन, अरेबिक कुजीन में हम लोगों ने ऑर्डर दिए ये चीज़, ये लहम मंदी और साथ में स्टेक एंड एपेटाइज़र में सूप। और ये है पाकिस्तानी कुजीन, और साथ में प्लेटर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, और ये जी मॉल्टन लावा एंड गुलाब जामुन। और ये ब्लैक एंड गोल्ड का स्पेशल सूप आ गया हमारे पास पहले, क्योंकि सर्दी बहुत है, गर्मा गर्म सूप आ गया। ओए होए, फुल हैवी लग रहा है। अब ट्राई करते हैं टेस्ट कैसा है। और तो सब कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे, इनकी एम्बियांस, गोडे और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो अब ट्राई करते हैं इनका सूप टेस्ट कैसा है, जो मेन इनकी चीज़ है ना वो कैसी। चिली सॉस ऐड की, अब सोया सॉस, और ये विनेगर है, और अब इनका सूप ट्राई करते हैं कैसा है इसका जायका। माशाल्लाह से बहुत ही गुड टेस्ट है, लग रहा है जैसे एक्सपेक्टेशन करके यहाँ पर आए हुए, इनका जो मील होगा वो भी बहुत गुड होगा। अब वो आता है तो आपको बताते हैं कैसा है इनका खाना। और ये इनकी किचन में हम लोग क्रंची जिंगर बर्गर, ये और ये इनकी मंदी है, दजाज मंदी है हमारे, ठीक है सर। ये दजाज चिकन को कहा जाता है, बेसिकली अरबी का लफ्ज है दजाज चिकन को। इस साथ में हम पोटैटो वेजेस देते हैं, ड्राई फ्रूट है इसमें,
और ये हमारे मंदिर है इससे, ठीक है। ये है हमारी लहम मंदी, ठीक है, मटन में लहम, मटन को लहम कहा जाता है अरबी जुबान में, अरबी में, ठीक है। ये मंदिर है इसे हमारे साथ में पोटैटो वेजेस हैं, क्रॉस इस पे हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, ऐसे क्रॉस लगा के फिर इसको उसके बाद बेक करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये राइस ठंडे नहीं होते, और हमारा जो ये आर्डर है ना, ये जरा खाने में भी देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छी हो जाती है प्रेजेंटेशन जो है ना इसकी, इसके साथ बहुत अच्छी होती है। ये पहले बेक करते हैं, बेक करने के बाद इसको फिर हम क्रॉस लगा के दोबारा फिर 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा बेक करते हैं इसको। ब्लैक तेल है, कलवंजी, ये मैथरे सौंफ ये चीजें हैं, कलवंजी। ये ब्लैक ओलिव्स हैं, ये हम लहम मंदी पे लगा के देते हैं साथ साथ में। जैसे अंदर से इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी, वैसे बाहर से भी आप बाहर से भी अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं। और बेसिकली ये जो क्रास है, ये खाने वाली है, खाने वाला क्रास है, ये खाया जाता है, और एंजॉय करते हैं लोग इसको, खाते भी हैं, अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है। बेसिकली जो ब्रेड लगाते हैं ना क्रॉस हम ऊपर, ये हमारा रोगनी नान का होता है, रोगनी नान टाइप है। और आप ये इसको ओवन में लेके जा रहे हैं जी, ओवन के लिए जा रहा है, इसको ओवन में लगा रहे हैं हम। ये हमारी लहम मंदी जा रही है ओवन के अंदर, और ये हमारी ये दजाज मंदी। और ये आपको पता कैसे चलेगा ये दजाज का और लहम का, दोनों तो ऊपर से एक जैसी हैं? हमें प्लेटर से अंदाजा हो जाता है, प्लेटर से अंदाजा हो जाता है लहम का कौन सा है और दजाज का कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये टाइमर ऑन हो गया, अब इसको हम कितनी देर बेक करते हैं, कितने टाइम? 3 से 4 मिनट बेक करेंगे, ठीक है। और 240-250 के टेम्परेचर पे बेक करते हैं इसको, क्रॉस लगाने के बाद। क्रॉस से पहले जो है मीट जितना टाइम लेता है कुक होने में 35 से 40 मिनट, उसके उस टाइम के हवाले से हम करते हैं। जिंगर बर्गर बांधने, जी जी जिंगर बर्गर। और ये हॉट ब्रेड इतनी गर्म है, बहुत ही माशाल्लाह से जिंगर के पीस भी आपके बने। 250 ग्राम का पीस देते हैं हम एक जिंगर में, एक जिंगर जिंगर बर्गर में हमारा जो पोर्शन होता है ना चिकन का, वो 250 ग्राम होता है। ये हमारा जिंगर बर्गर है, जिंगर बर्गर जी, और हैवी लग रहा है आपके जो जिंगर का जिंगर बर्गर है वो भी बड़ा है। ये जिंगर बर्गर है, ये चिकन चीज बर्गर है हमारा, चिकन चीज बर्गर, ओहो ये आप देख सकते हैं, चिकन चीज बर्गर है। और ये हमारा जो है जिंगर बर्गर है, जिंगर बर्गर, और इसको भी प्रॉपर रिच चीज लगी हुई होती है, प्रॉपर हाइजीनिंग के साथ है और कवर्ड है, ठीक है। वेजिटेबल्स आप जो पिज़्ज़ास पे और पिज़्ज़ास पे और चाइनीज पे जो हमारी वेजिटेबल्स यूज होती है, और हमारी मंडी दजाज मंडी, दजाज मंडी, दजाज मंडी ये तैयार हो गया आगे, ये अब टेबल पे सर्विंग के लिए जा रही है ये लोग। और ये इनका पिज़्ज़ा है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। और हमारी मंडी रेडी हो चुकी है सर, अब ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा इसका। अभी मैं आपको टेबल पे सर्व करवाता हूँ, आप वहाँ टेबल पे इसका रिव्यू आप फ्रेंड टेबल पे लें। हमारी लहम मंडी आ गई, जी जी लहम मंडी आ गया। ये ब्रेक कर रहे हैं इसकी डो, जो अरोमा खुशबू आ रही आए है, क्या बात है। मंडी भी स्टीम हुई भी होती है ना? जी जी स्टीम होती है बेसिकली। ये कितने आवर्स की ये कुकिंग? 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे मैक्सिमम में से लगते हैं, 3.5 घंटे। फुल टेंडर मीट है, हड्डियों से गोश्त अलग हो चुका है, ये देख सकते हैं आप जी। फुल हैवी सीन्स, और अब ट्राई करते हैं टेस्ट कैसा है। हमारी लहम मंदी आ गई है, टेंडरनेस लेवल इसका चेक करें, बिल्कुल हड्डी से इसकी बोटी अलग हो चुकी है और रेशे बन गए, और बहुत ही आला टेक्सचर लग रहा है इसका। और साथ में इन्होंने ये दिए हैं जी ड्राइड फ्रूट्स,
और साथ में ये पोटैटो फ्राई पोटैटो लग रहा है और साथ बेक पोटैटो। अब ट्राई करते हैं, हम इसके अंदर ही खाएंगे क्योंकि सारा मज़ा इधर है। गर्मा गर्म ओहो, एक हैवी सी बाइट लेते हैं साथ ड्राई फ्रूट लगा के और एक मंदी की। आए हाय यार, सीरियसली जैसे इसका नाम है ब्लैक एंड गोल्ड, जैसे इनका जो टेस्ट है फूड का ओह लेवल, साथ जो इनकी ये टेंडरनेस और बहुत ही लाइट सी स्पाइसी नहीं मंदी, ये देखें ओए होए गरम गरम, ये ओए होए रेड सॉस लगाते हैं ऊपर और से राइस के ऊपर, चेक करते हैं कैसा फील। ओए होए फुल हैवी बाइट, ये जो रेड सॉस है इनकी अपनी होम मेड है, ये थोड़ी स्पाइसी है, जो मैंने इस्लामाबाद और कराची मंदी ट्राई की है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, वो थोड़ी सी मीठी टाइप आती है, ये थोड़ी सी मसाले वाली है, इसका टेस्ट और मज़ा करवा रहा है क्योंकि जो मंदी होती है वो नमकीन होती है और थोड़ा सा उसके साथ स्पाइसी टच आ जाए तो ओए हो क्या बताऊँ, और बहुत ही आला था। अब एक ऐसे लेते हैं बाइट इसकी मीठी, यार बहुत आला, दिल नहीं कर रहा हाथ रोकी अब। और ये हमारा स्टेक आ गया और ये होम मेड सॉस है, ये सॉस स्पाइसी होती है, खुद बनाते हैं, और साथ में अगर कोई क्रीमी सॉस खाना चाह रहा है ये साथ में मशरूम सॉस एक्स्ट्रा देते हैं। हाय हाय ठीक है, और ये मंदी की सॉस है, ये मंदी की रेड सॉस और रेड सॉस है, और ये भी मंदी के साथ हम प्लम सॉस देते हैं, अगर कोई एंजॉय करना चाहे उसको अलग से, ये प्लम सॉस देते हैं, बारबेक्यू सॉस इसे कहते हैं उसको। और अब ट्राई करते हैं इनका जी स्पेशल ब्लैक एंड गोल्ड स्टेक, जो बहुत ही आला टेक्सचर इसका लग रहा है और जो इन्होंने सॉस दी स्पाइसेस आया है। स्टेक फुली जूसी है और साथ जो इसकी सॉस का मजा आ रहा है आया है बहुत अलग, सारी गेम इनकी सॉसेस की है। जो शेफ साहब हैं उनसे मैं यही बात कर रहा था, जो मेन चीज़ होती है वो सॉसेज होती है, फूड और क्वालिटी वो अपनी जगह, जो जायका होता है वो बंदे के हाथ में होता है। तो सब पोटैटो लेते हैं और वेजीज, एक फुल हैवी बाइट, अब एक इनका स्टेक मशरूम सॉस के साथ लेते हैं, पहले इनकी जो अपनी होममेड सॉस थी उसके से लिए अब मशरूम सॉस। मशरूम तो मुझे अच्छी भी बहुत लगती है, ये सॉस भी इनकी अपनी जगह, जो ये सॉस है ना आए हैं क्या बताऊँ, जो मशरूम का अंदर टेस्ट आ रहा है ये लाइट है मीठी है, दोनों को दोनों सॉसेज को मिक्स करते हैं हैवी बाइट। ओए होए मुंह में पानी भी नहीं आ रहा। तो इनकी मंदी थी वो भी बहुत बेस्ट थी, अटक में ये फर्स्ट टाइम मंदी आई है, मैं कराची भी खाए हूँ और इस्लामाबाद भी, वो भी बहुत अच्छी, इधर के लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट है, और साथ में जो स्टेक जो एनवायरनमेंट इन्होंने दिए बहुत ही आला, और जो मुझे इनका खाने का टेस्ट लगा है बहुत ही अच्छा है, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मुझे इनका सूप अच्छा लगा है और जो इनकी मंदी है वो बहुत बेस्ट है। और हम लोगों ने अपना खाना फिनिश कर लिया माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन खाना था, और उसके बाद हम लोग आखिर में इत्तेहाम मीठे से ही होता है, तो मीठे में हमारे पास आ गए सबसे पहले सिजलर ब्राउनी, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया मोल्टन लावा, और सर्दियों की मेन डिश गाजर का हलवा, ये ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसे। ये सबसे पहले हम लोग एक बाइट लेंगे सिजलर ब्राउनी की, फुल हॉट प्लेट के अंदर सर्व हुई हुई है और बहुत ही आला इसका टेक्सचर लग रहा है, ओए होए गर्मा गर्म ब्राउनी विद आइसक्रीम, आइसक्रीम के अंदर डिप करते हैं। फुली हैवी सीन है इस सिजलर ब्राउनी की और बहुत मीठी और ज़बरदस्त टेस्ट इसका। और अब आ गई बारी है मोल्टन लावा की, जो मेरा फेवरेट है, ओए होए चॉकलेटी मोल्टन लावा, ओए
साथ आइसक्रीम वेनिला। मोल्टन लावा भी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन एक गिला इसके अंदर चॉकलेट काम है। फौज ब्राउनी ने ज़्यादा नंबर लिए, ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी है। मोल्टन लावा है लेकिन जैसे सूखा सूखा हुआ, इतनी इसके अंदर चॉकलेट नहीं है। अभी साथ वेनिला आइसक्रीम ट्राई करो तो फिर कुछ मज़े का बनता है। और अब इनका आ गया जी गाजर का हलवा। ओए मोल्टन लावा और सिजलर ब्राउनी भी अपनी जगह, लेकिन जो मज़ा है गाजर का हलवा, और वो भी हो सर्दियाँ आए है, खोए वाला लग रहा है और गर्मा गर्म। मज़े की बात है गर्म गर्म साथ ही किचन है, साथ साथ सर्विंग हो जाती है। आए हाय बहुत आला यार, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गुजरा। जो इनकी मील था वो भी बहुत गुड था, फूड था बहुत गुड था, जो इनका जो मीठा था डेजर्ट था ओए हो इसका लेवल ही और था। और मुझे इनके मीठे में ज़्यादा गाजर का हलवा और सिजलर ब्राउनी अच्छी लगी, और मंदी और स्टेक, मंदी स्टेक से भी ऊपर है, मंदी इनकी बेस्ट है। आएँ आप भी ट्राई करें और बताएं कैसा, और विज़िट करें और यहाँ का खाना ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी एक्सप्लोर करना, इंशाल्लाह मेरे और अटक में तकरीबन एक्सप्लोर कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें रहेगी वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करना और आपको अच्छे अच्छे खाने बताने, और इंशाल्लाह आप ऐसी प्यार मोहब्बत करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। घर के लिए भी मंदियाँ पैक करवा ली, और साथ में ये जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी इन्होंने मज़े की बातें दे दी, तो ये अब लेके जाने तो अब घर वालों को भी चेक करवाएंगे। और टेस्ट आप, दो मंदियाँ हमने घर के लिए भी पैक करवा ली। और ब्लैक एंड गोल्ड के सामने है जी मैरिया फन प्लैनेट, अब जाते हैं अंदर और ये भी देखते हैं। ये है जी मोशन राइड्स, बच्चों के लिए बेस्ट प्लेस है, जहाँ पर मोशन राइड भी है जी 9D। तो किसी ने इंजॉय करना हो तो लाजमी आए। आप सब भाइयों का बहुत ही शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। आप एक एक स्पोर्ट का इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा, क्योंकि एक इंसान के लिए नीचे से ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है। और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2.5K फैमिली हो चुकी है, आप सब्सक्राइबर और फैंस नहीं आप मेरे भाई हैं, और बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह मैं इससे अच्छी मज़ीद न्यू वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा अटक का फूड, और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करना। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा गुजरा ब्लैक गोल्ड में, और आगे मुझे तो बहुत ही आला एक्सपीरियंस था। आप भी आएँ और बताएँ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।